Hello friends, welcome to Unacademy Rise. This is me, Dr. Sidharth Arora, and we're continuing the summary course of Laxmikanth for Polity. मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, my friends, कि मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पास relevant topics in as small pieces and concise videos हो जाए, ताकि जब तुम्हें revise करना पड़े तो तुम्हें might as well एक साथ सारा portion ना करना पड़े. Small, small bits and pieces, but you should know कि मैं क्योंकि ये topics कर रहा हूँ, that means these are relevant topics. Okay, तो इनको please ignore करके मत चले जाना. We are going continuing with the judiciary part. We are also mixing up some parts from other parts, but whatever are judicial in nature, मैं एक साथ वो videos कर रहा हूँ. So today we are looking at NALSA and Lok Adalat as the part. Most people ignore these topics, but मेरी बात याद रखना, जो topics तुम छोड़ देते हो, जिनको आप static polity समझ के छोड़ देते हो, या static polity भी नहीं समझते, आप इनको समझते हो कि यार ये तो बिल्कुल XYZ topics है, miscellaneous topics है, nobody is going to ask. Actually, ये अब dynamic as well as current affairs topic है. Okay, so जब आप static पढ़ लेते हो कि Supreme Court क्या है वगैरह वगैरह, make sure that you read these also. Okay, this is about me, Dr. Sidharth Arora. We have met earlier several times. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. This is about the plus courses that we have launched. Okay, plus courses, my friends, if you notice again and again, best of the educators, ये पूरी भीड़ लगी हुई है, you notice all this, the best of the best educators are there available for you, my friends, alright, इतने जबरदस्त collection of educators शायद ही आपको कहीं मिलेगा, you will have your own plus courses available, जो आपको चाहिए will be available, please ensure my friends, दो बातें, number one, that the plus courses जो available है, from all other educators, including my plus course, is now live. Okay, so the complete course on polity, governance and international relations start ho chuka hai. We started this on 20th September 2019. It will go till 19th January 2020. Beta, 77 lectures honge. I will make you rock solid in this preparation. Aur main tumhe iska proof de sakta hu. The proof is yesterday, kal, GS2 का मेंस एग्जाम, लुक एट द क्वेश्चन, और मेरे स्टूडेंट्स और जितने होंगे ना, उन लोगों ने ये आंसर चिल्ला के आंसर दिया होगा, एंड तुम लोगों को मैंने ये कितने बार पढ़ा है. फर्स्ट क्वेश्चन GS2 UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस 2009, डू यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तुम में से हजारों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही चिल्ला के बोले होंगे, सर ने, सिद्धार्थ सर ने 10 बार बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है इंडिया में, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है. ये मैं फर्स्ट वीडियो से ये बोलते चले जा रहा हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, और मेरे स्टूडेंट्स ने चिल्ला के आंसर दिया होगा. ये दिस इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, बट दिस इज अबाउट रेलेवेंट स्टडी. ये पहला क्वेश्चन है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन द हिट एंड द कॉन्फिडेंस जो एक इंसान को आ जाता है जब तुम्हें करीब करीब 100% ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है. यू कैन राइट बुक्स ऑन दिस, राइट. मैंने कितने बार ये बात बताई है, इनफैक्ट एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पे. दिस मुझे खुद को अपनी तारीफ करनी पड़ेगी. द रीजन टू दैट इज माय फ्रेंड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज पुट इन ट्रेनिंग यू. ओके, तुम में से बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है. प्लीज डोंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज पीपल जो यूजलेसली तुमको अपने ही रास्ते से भटका रहे हैं, अननेसेसरी ट्रोलिंग, अननेसेसरी कमेंटिंग से किसी का जिंदगी में कुछ भला नहीं हुआ है. एंश्योर योर करियर, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. जो प्राइसेस है वो आज तक जो मैं बता रहा हूं, ये 30th सितंबर 2019 तक रेलेवेंट है. वन ईयर का पूरा कोर्स माई फ्रेंड्स, इस तरह की जब एग्जाम प्रिपरेशन तुम्हें करनी है, इस तरह का प्रोफेशनल हेल्प लेना है, 35,000 में पूरा साल का कोर्स विल बी अवेलेबल. ऑल द सब्जेक्ट्स. इसमें भी पैसे बचाओ, यूज दिस कोड SID, मेरा कोड यूज करो, प्रेस अप्लाई, 10% डिस्काउंट इमीडिएटली तुम्हें मिलेगा. तुमने जैसे ये कोड किया, प्रेस अप्लाई, ओके, एंड 31,500 में वेलकम टू माई कोर्स, राइट. सेकेंड, दोस्त माई फ्रेंड्स जो 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं, I'll be very happy to train you out. 2 साल में तो मैं तुम्हें rock solid 24 carat बना दूंगा. Okay, this 2 year course में SID use करो, SID, apply the button code,
50,400 में पूरा 2 ईयर को सारे सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स, इज नॉट अबाउट वन सब्जेक्ट, इज ऑल अबाउट ऑल द सब्जेक्ट. सो टेक योर डिसीजन माई फ्रेंड्स, द टाइम हैज कम दैट यू टेक योर डिसीजन. अननेसेसरी लोगों की बातों में मत आओ. दिस इज योर करियर, योर लाइफ, टेक योर कॉल. ओके, आज का टॉपिक डीपीएसपी. आर्टिकल 39A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद आया था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक आर्टिकल 39A एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंसर्ट किया गया था. उसमें हमने बोला कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वेलफेयर स्टेट, जस्टिस वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये भी सोचो कि बहुत सारे लोगों के पास, तो बेचारों के पास पैसा नहीं होता. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लूज आउट ऑन जस्टिस. और अगर जस्टिस सिर्फ इस वजह से चला गया है कि तुम्हारे पास मनी नहीं है, ओके, तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, तुम्हें जान पहचान नहीं है, तो तुम्हारा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 22 की कोई मतलब ही नहीं होता. ओके, आर्टिकल 14 इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ओके, एंड आर्टिकल 21, सॉरी दिस इज 21, ओके, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी. ओके, इस सब चीज का मतलब ही क्या है. Therefore, आर्टिकल 39A में प्रोवाइड किया गया फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन. बात समझने की कोशिश करो, यहां पर ये डीपीएसपी है. जब आप डीपीएसपी कुछ भी एनफोर्स करते हो, प्लीज दिमाग में डालो. ओके, डोंट स्लीप ऑन माई क्लास. ओके, कॉन्सेंट्रेट हार्ड. राइट, डीपीएसपी जब होता है तो डीपीएसपी इंप्लीमेंट होता है लॉस के रास्ते, लॉस के रास्ते. अच्छा जी, सो लॉस पास करना पड़ेंगे, बिल्कुल. सो स्टेट को लॉस पास करने पड़ेंगे, तब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो डीपीएसपी. वेरी गुड, तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सर, हमने पास किया लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987. ये पास तो हुआ ऑब्वियसली, देखो पहले तो 76 में तुमने अमेंडमेंट कर दिया, सिर 87 में तुमने उसको लॉ बना दिया, 95 में जाके नोटिफिकेशन पर कंप्लीटली एनफोर्समेंट हुआ था. लेकिन फिर भी इट वॉज अ ह्यूज स्टेप, माई फ्रेंड्स, मजाक नहीं है. इस कंट्री में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस है, उन सब में फ्री लॉयर्स प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, दिट इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क. तो गवर्नमेंट का ये बहुत मेजर स्टेप था. हाउएवर, इससे हमने किया क्या? सबसे पहले हमने एस्टैब्लिश किया नालसा, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. फिर हमने स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लेवल पे तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे हर हाई कोर्ट के लेवल पे यू विल हैव हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो स्टेट की होती है, इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द नालसा. तो नालसा का काम था सुपरवाइज करना सारे स्टेट्स के स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को. ओके, तो सर ये नालसा करता क्या है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नालसा विद दिस रिगार्ड? सी, नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. नाउ हमारा काम क्या है? हमारा काम है जस्टिस प्रोवाइड करना. पहले तो ये बात समझ लो, यू नो, बाकी सारी बातें इधर उधर जो मर्जी घुमाते रहो, लेकिन एक्चुअली मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद इज टू प्रोवाइड जस्टिस, जस्टिस न्याय. ओके, एंड जस्टिस का एक मेथड है वाई रीचिंग जस्टिस. ओके, पहुंचना आसान नहीं है ना, थोड़ा फाइट इट आउट. ओके, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. दूसरी तरफ स्टेट का एंडीवर होना चाहिए कि तुम जीतो या हारो, बट तुम्हें अपॉर्चुनिटी बराबर की मिलनी चाहिए टू गेट योर जस्टिस. राइट, नाउ तीन चार मेजर दुख है जस्टिस से रिलेटेड. तीन चार मेजर दुख है. वन, जस्टिस कैन बी वेरी वेरी टेक्निकल. लॉ की किताबें पढ़ोगे, बेहोश होके गिर जाओगे. ऑलराइट, देयरफॉर यू रिक्वायर, तो हर एक के बस की चीज नहीं होती. एंड देयरफॉर जब आपके पास लॉ टेक्निकल होता है तो यू ऑलवेज नीड लॉयर्स. जैसे ही हमें किसी भी स्पेशलाइज प्रोफेशन की जरूरत होती है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट चार्जेस स्टार्ट्स मनी, मनी इज इन्वॉल्व. आपकी जान पहचान, आपको नो हाउ होना चाहिए कि कौन सा लॉयर है, कौन सा कोर्ट में जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कौन से रूल्स प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कैसे फाइलिंग करना है. नंबर थ्री इज, हमारे यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बड़ा स्ट्रेनुअसली फॉलो होता है. ओके, हम आखिरी कॉमा तक को भी फॉलो करते हैं, एंड देयरफॉर देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए. ये भी बात सही है. सो टाइम लग रहा है, मनी लग रहा है, एफर्ट लग रहा है. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ा क्रूशल चक्कर हो जाता है कि वो हम केस को कैसे बोलते हैं. हम वो केस को बोलते हैं, चलो हम केस लड़ेंगे, यू नो, ये लैंग्वेज समझ लो, हम केस लड़ेंगे, या केस इज बीइंग कॉन्टेस्टेड.
और उसमें एक होती है हार और एक होती है जीत, आइदर देयर इज अ विक्ट्री और देयर इज अ डिफीट, तो कहीं ना कहीं ईगो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. ओके, देयर इज एन ईगो इन्वॉल्वमेंट इन द एंटायर स्ट्रक्चर. और जब ईगो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो डू यू रियलाइज कि जब ईगो इन्वॉल्वमेंट आएगी तो केस अपने आप खींचता चले जाएगा, राइट? एंड देन अपील अपॉन अपील एंड अपील अपॉन अपील बिकॉज वी हैव एन इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. तो ये बात पता नहीं स्टार्ट होती है एक छोटे से बात से और सालों साल लग जाते. सो हमारा प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम तो हम सबको मालूम है. तो हमने किस बारे में क्या किया, दिमाग लगाओ. ओके माय फ्रेंड्स, सिर्फ मेमोराइज मत करो, राइट? यू विल हैव टू राइट दीज आंसर्स. ओके, अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. ओके, ये तुम्हें ऐसे कोई समझ आने वाला नहीं है, ना तुम्हें कोई बुक से समझ में आने वाला है, राइट? अंडरस्टैंड दिस. सो जस्टिस, नालसा का काम क्या है? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना. दूसरी बात, अब फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज तो समझ में आते, फ्री तो है, कॉम्पिटेंट भी, मतलब गुड लॉयर्स, गुड पीपल हु नो लॉ, वो आपको फ्री अवेलेबल होंगे. सेकेंड, लोक अदालत. लोक अदालत जो हम आगे देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो लोक अदालत आ दोस्त जो वहां पर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कोशिश ये करी जाएगी, कोशिश, विल ट्राई नॉट टू मेक इट अ वॉर. इसको वॉर ना बना के, ईगो इशू ना बना के, वी विल ट्राई एंड सेटल इट, राइट? तो हमारा प्लान इज मोर टूवर्ड्स सेटलमेंट रादर देन एट फाइटिंग दिस वॉर. एंड लास्ट, लीगल अवेयरनेस. ओके, कि कौन सी कोर्ट्स में जाना है, कोर्ट्स में जाना भी है कि नहीं जाना, क्या ये आपसी सहमति से हो सकता है, व्हाट आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, दीज आर ऑल व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नालसा. ओवरऑल ब्लैंकेट में यू हैव टू हैव जस्टिस. प्रोवाइड कैसे करोगे? फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज, नंबर टू लोक अदालत, नंबर थ्री लीगल अवेयरनेस. अब कंडीशनल है, देखो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट नहीं है, डीपीएसपी है, आर्टिकल 39 है, तो मैं बाय लॉज रेगुलेट कर सकता हूं, तो तुम्हारे कोई गारंटेड राइट नहीं है. लेकिन आजकल हम किसको फ्री लीगल एड दे रहे? वेमेन को, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पुअर. ओके, और ये अलग अलग जगह पर डिफाइंड है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अलग डेफिनेशन ऑफ पुअर होगा. ओके, जैसे 125,000 एनुअल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, रायट्स, अर्थक्वेक्स, यू नो, सुनामी, जिनके पास अब कोई चांसेस ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है टू बी एबल टू गेट लीगल हेल्प बाय पेइंग मनी. किसी तरह की डिसेबिलिटी, ये भी सर्टिफाइड लीगल डिसेबिलिटी होनी चाहिए. पीपल हु आर इन कस्टडी, जेल पिटिशंस, पुलिस पिटिशंस, ऑल ऑफ दिस आर ऑल गिवन फ्री लीगल एड. तो जब तुम लीगल सर्विस अथॉरिटी में लीगल एड लेने जाते हो तो तुम्हें एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को तुम भरते हो, उस फॉर्म से तुम रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे फ्री लीगल एड दिया जाए, तो तुम्हें एक LAC मिलता है, दैट इज लीगल एड काउंसिल. ओके, जो LAC होता है वो लीगल एड काउंसिल होता है, वो लॉयर होता है जो लीगल एड अथॉरिटीज ने आपको भेजा है. ओके, सो नाउ इसी सिचुएशन में हम लोगों को मिले लोक अदालत. अब लोक अदालत को तुम्हें क्वेश्चन आता है, लोक अदालत है क्या? लोक अदालत आर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो हमने पिछले वीडियो में किया था, ADR का एक मैकेनिज्म है. तुम्हें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन वगैरह जो हमने किया था, उससे हमें बहुत एडवांटेजेस होता है इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, राइट? नाउ इन द पेंडेंसी ऑफ केसेस का मतलब, एक दिन गवर्नमेंट को लगा वाह यार ये बड़ा अच्छा तरीका है. ओके, इससे सिर्फ तुम्हारे मेरे कमर्शियल डिस्प्यूट्स को भी खत्म हो जाए, सो मेनी मोर अदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स भी खत्म हो गए. उसका पर्पस इज लोक अदालत. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, लोक अदालत पहले इनफॉर्मली स्टार्ट हो चुकी थी गुजरात में, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस, बट वहां पर इट वॉज विदाउट एनी स्टैचुटरी बैकिंग. अब हमने पास कर दिया है, वॉट इज दिस स्टैचुटरी स्टेटस दे दिया, दैट इज वी हैव गिवन इट लीगल सैंक्शन बाय पासिंग द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987. तो तुम्हें प्रिलिम्स क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ लीगल ऑफ लोक अदालत. सो आंसर होगा LSA एक्ट ऑफ 1987. अब इंटरेस्टिंग बात है, इसका फायदा क्या है? तीन चीजें, ये एज फार एज पॉसिबल इनफॉर्मल है. ये ना इनफॉर्मल मतलब क्या, कोर्ट नहीं जाना, घर पे बैठ के हो जाएगा? नहीं नहीं, घर पे नहीं, एज फार एज प्रैक्टिकल. ओके, तुम चाहो तो लॉयर्स को लेकर जाओ, तुम चाहो तो छोड़ दो. ओके, कोशिश यहां पर कंसेंसस से, कोशिश यहां पर एम एट सेटलमेंट है. नेक्स्ट, इट इज इकोनॉमिकल, कोर्ट फीस देनी नहीं है. ओके,
एंड इट इज फास्ट. ओके सो सर ये तो फास्ट है, लेकिन तो इंटरेस्टिंग बात है ना दैट व्हेन यू आर फाइटिंग अ केस, व्हेन यू आर फाइटिंग अ केस इट इज मोर ऑफ डिफीटिंग एंड और डिफीटेड, नॉट इन लोक अदालत. सॉरी लोक अदालत में यू आर अटेम्प्टिंग टू सेटल, तो दिस इज द मेन एम ऑफ सेटलमेंट. तो फर्स्ट वी कैन अटेन, वी कैन हैव लोक अदालत एट एनी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में तुम लोक अदालत को एंटर कर सकते हो. ओके देयर इज इन फैक्ट इफ यू हैव येट नॉट स्टार्टेड केसेस ऑल्सो, तब भी प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी, अभी केस स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट देन देर आर मेनी एजेंसीज जो फंक्शन कर रही है विच आर हेल्पिंग आउट पीपल जिनको केस में जाना ही ना पड़े. ओके हम केस में स्टार्ट ही ना करें, यूजुअली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा में जहां पर हम बोलते हैं इट्स लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस राइट नाउ. ओके सो प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी अलाउड है. ओके नाउ रेफरेंस कैसे होगा, एक तो जो पार्टीज है, ओके पार्टी नंबर ए एंड पार्टी नंबर बी जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, दे कैन से कि हम लोग को पहले एक मौका दिया जाए लोक अदालत में. दूसरा एक एनी ऑफ द पार्टी, एनी ऑफ द पार्टी जब कोर्ट में जाती है तो द कोर्ट कैन रेफर. ओके फिर मैंने जो थर्ड बोला कि रेफरिंग एजेंसीज होती है, ऐसी बहुत सारी फैमिली वेलफेयर कमिटीज बनी हुई है. ओके फॉर एग्जाम्पल इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या इवन इन ट्रेड या लेबर यूनियन एज वेल एज इंडस्ट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी वर्कर की डेथ हो जाए ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पर रेफरिंग एजेंसीज मिलेंगे, एनजीओस मिलेंगे हु विल रेफर कि आप जाओ. ओके आप फला ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वो फला रेफरिंग एजेंसी आपको भेज देगी टू द लोक अदालत कि कोई भी ये केस के झगड़ा होने से पहले तो भाई आप पहले इसको सेटलमेंट के लिए कोशिश करो एंड यू विल स्टार्ट सेटलिंग इट ऑफ, दैट विल बी अ बेटर वे. तो वही मेरी पुरानी लाइन जो इंपॉर्टेंट जो आजकल कोर्ट्स में बड़ी ऑफन बोला जा रहा है कि इट इज बेटर, मीडिएशन इज बेटर देन लिटिगेशन. सो दिस इज इट. अब करना क्या है, सारे पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अवेलेबल है लोक अदालत के लिए, अदालत है तो डोंट मेक अ मिस्टेक. इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे विल बी अ जुडिशियल ऑफिसर, देयर कैन बी एडवोकेट्स, देयर कैन बी अदर सोशल वर्कर्स, इनके पास सारी पावर्स होती है. जैसे एक कोर्ट की होती है समनिंग करके वो विटनेसेस को बुला सकते हैं. ओके दे कैन ऑल्सो कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, दे कैन ऑल्सो कलेक्ट एविडेंसेस, दे कैन कलेक्ट रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स, जो एग्जैक्टली एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है. सिर्फ फर्क यहां पर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्क, कि हम यहां पर जीतने और हारने पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके सेटलमेंट की बात करें, एंड एज फास्ट एज पॉसिबल हम सेटलमेंट कर देंगे तो द मैटर विल नॉट गो इनटू लिटिगेशन. मैटर लिटिगेशन में नहीं गया ना टाइम जाएगा ना ईगो जाएगा ना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे एंड पेंडेंसी ऑफकोर्स डिक्रीज होगी. गुड पार्ट अबाउट हियर इज कि सर अगर आपने मान लिया, ओके अगर आपको मैं लोक अदालत में लेकर गया और लोक अदालत में आपकी सेटलमेंट हो गई और आपने अग्री कर लिया कि हाँ चलो जी मेरे जो भी अमाउंट था सपोज एक्स एंड वाई को जो भी सेटलमेंट करना है, तो वो जो अग्रीमेंट होता है उसकी रिकॉर्ड की जाती है स्टेटमेंट, राइट. और प्लीज अंडरस्टैंड तुम्हारा जो चेयरपर्सन है इज अ जुडिशियल ऑफिसर, राइट, तो वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. सर अब आप प्रॉब्लम में हो अगर आपका नियत खराब है तो, इन अदर वर्ड्स अगर आप कल बोलो या तो लोक अदालत ही, ओके मैंने बाइंडिंग स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट दे दी है मुझ पर बाइंडिंग थोड़ना है, मैं नहीं मानता. सर डोंट मेक एनी मिस्टेक अबाउट इट, नाउ दैट यू हैव मेड इट, ओके एंड तुमने फ्रीली और वॉलंटरली ये एग्री कर लिया, नाउ इट इज बाइंडिंग ऑन यू. अगर ये ना हो ना माई फ्रेंड तो सारा लोक अदालत का खेल ही बेकार है. वाई? बिकॉज पेंडेंसी तो वहीं की वहीं रही, तुमने एक मैटर उल्टा और बढ़ा दिया. नो, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग. सो वॉट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस आर दे आर फास्ट ऑब्वियसली, ओके नो कोर्ट फीस, बाइंडिंग एंड अटेम्प्ट टू सेटल. आमतौर पे वर्किंग डेज पे लोक अदालत नहीं होती, यूजुअली ऑन अ संडे होती है, तो तुम्हारे वर्क आवर्स भी डिस्टर्ब नहीं होते, तुम्हें लॉयर की भी जरूरत नहीं होती, तुम खुद ही चले जाओ जाके ट्राई एंड सेटल ऑफ द डिस्प्यूट. ओके देयर इज नो प्रॉब्लम. सो इन मल्टीपल वेज इट ऑल्सो हैज एन इनफॉर्मल कलर टू इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज एन इनफॉर्मल कलर. आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर ऑन दिस पार्ट एंटायरली. नाउ गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा लगा, ओके बट गवर्नमेंट ने एक चीज नोटिस करी, और वो नोटिस करी कि हमने कुछ ये सेटलमेंट पे जो जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रहे, और सेटलमेंट तो हम हमेशा कंफर्म नहीं करा सकते क्योंकि मुझे फोर्स करना तो अलाउड ही नहीं.
So the problem here that we can do here is that 2002 amendment हुआ और बोला कि हम लोग कुछ matters में permanent लोक अदालत बनाएंगे, खासकर जैसे civic infrastructure, providing of services, telecommunications, water supply, power supply, etc. उसमें हम permanent लोक अदालत बनाएंगे. Now permanent लोक अदालत का फायदा क्या है? कि मेरा aim तो है settlement, but sir अगर settlement नहीं हुआ, okay? Then an award can also be given. Okay, 10 लाख रुपए तक का award भी permanent लोक अदालत दे सकता है. तो हमारा पहला aim, लोक अदालत on the contrary was what? That only settlement. नहीं settlement, please go back to the court. Okay, जहां से आए थे वहां से वापस चले जाओ, या लड़ना तो लड़ो cases में. Permanent लोक अदालत सेट कि हम कोशिश करेंगे settlement की. अगर settlement नहीं होता, no problem, I also have the power to make loss related to the, oh sorry, to make an award, that is to pass a damage for 10 lakh rupiah tak ka pecuniary jurisdiction is 10 lakhs, which can of course be increased. So I hope you understand ki ye sare ke sare dono mechanisms are intending ki main jitni jaldi ho sake justice deliver karau, one to the person, second main koshish karun jitna ho sake state ke upar kisi bhi tarah ki pendency ka pressure na padta jaye. It should be fast, economical and final. बड़े पुरानी लाइन है, justice delayed is justice denied. तो वो उस लाइन को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यहां पर एड्रेस हो जाए कि we don't delay justice and therefore we don't deny justice. The aim here is justice. I hope my friends you understood the bottom line of what is permanent लोक अदालत and लोक अदालत, okay, and what is the role of NALSA in this part. So my friends, I hope you have appreciated that. कि मैंने तुम्हें एक बेसिक पिक्चर पूरी पूरी बता दी, बट आई होप यू रियलाइज देयर आर मेनी मेनी डिटेल्स दैट कैन बी डिस्कस वेंस वी हैव वन टू वन प्लस सेशंस. आई वेलकम यू टू माय प्लस कोर्सेज. प्लस कोर्सेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. मेरा प्लस कोर्स स्टार्ट हो गया है माय फ्रेंड्स. पूरा पॉलिटी, पूरा गवर्नेंस, पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप अननेसेसरली मत बैठो. मेरे स्टूडेंट्स से पूछो. हाँ, वो मेरे स्टूडेंट्स है, मैं उनको बिल्कुल क्लियरली मुंह पे बोलता हूँ. वो मेरे स्टूडेंट्स है, दे विल रिस्पॉन्ड इफ यू आस्क देम डायरेक्टली. उनकी रॉक सॉलिड प्रिपरेशन हो रही है, उनसे पूछो उनमें कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है फ्रॉम एवरी क्लास. डोंट अननेसेसरी वेस्ट टाइम. मैं तुम्हारे भले की बात बोल रहा हूँ, ओके. आइदर वेज दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज. 10% डिस्काउंट इमीडिएटली आएगा. आई होप टू सी यू ऑन माई प्लस कोर्सेज. इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस. थैंक यू.